बदलाव की बयार, गरीबी की हार, बेनिशान फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी की सफलता की कहानी। मुट्ठी की ताकत हो, हाथ में हुनर हो और मन में विश्वास हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है, कामयाबी कदम चूमती है। देश के दक्षिणी भाग में स्थित तेलंगाना राज्य की एक सफलता की कहानी इसका सटीक उदाहरण है। यहां एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती कृषक महिलाएं गरीबी से उबरकर संपन्नता की राह पर आगे बढ़ चली हैं। अब उन्हें अपने खेतों में उपजे फलों और सब्जियों की बेहतर कीमत गांव में ही मिल जाती है। उपज की क्वालिटी को बेहतर तथा अधिक मूल्यवान बनाने के लिए आवश्यक सलाह व प्रशिक्षण भी मिलता है। कृषक महिलाओं को संगठित कर उनके जीवन को बेहतर बनाने का कार्य कर रही है महिला किसानों की अपनी कंपनी, बेनिशान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। सितंबर 2019 में गठित इस कंपनी की सदस्य, संचालक और कर्ता धर्ता राज्य की कृषक महिलाएं हैं। मुख्य रूप से वो महिलाएं जो फलों और सब्जियों की खेती करती हैं। बेनिशान एफपीसी तेलंगाना राज्य के 12 प्रमुख जिलों में सक्रिय फार्मा प्रोड्यूसर कंपनीज का शीर्ष संगठन है। इन कंपनीज के अंतर्गत लगभग 700 फार्मा प्रोड्यूसर ग्रुप्स गांवों में जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए लगभग 9,800 कृषक महिलाओं को सीधे लाभ पहुंचा रहे हैं। ये छोटे और सीमांत वर्ग की कृषक हैं, जो अपने गांव में फार्मा प्रोड्यूसर ग्रुप्स की सदस्य हैं। రైతులు పండించే పంటకు మార్కెట్లో గిట్టుబాటు ధర లేకపోవడం ద్వారా, అదేవిధంగా మార్కెట్ సదుపాయము లేకపోవడం వలన జిల్లా స్థాయిలోని ఏర్పాటు చేసుకున్న రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు అన్నీ కలిసి రాష్ట్ర స్థాయిలో బేనిషాన్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. తాజాదనం సకాలంలో డెలివరీ చేయడము, నాణ్యత విషయంలో మేము ఎక్కడ రాజీపడని ముఖ్య కొలమానాలు. రైతు పండించే పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడంతో పాటు ప్రాసెసింగ్, మార్కెటింగ్ మరియు బ్రాండింగ్ చేయడమే మా యొక్క ఉద్దేశం. బేనిషాన్ ఎఫ్పిసి కా గఠన్ భారత్ సర్కార్ కి మహత్వాకాంక్షి దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన రాష్ట్రీయ గ్రామీణ ఆజీవికా మిషన్ కే అంతర్గత్ కియా గయా హై. छोटे और सीमांत वर्ग की कृषक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसे देश भर में संचालित किया जा रहा है। राज्य स्तर पर इसे सोसाइटी फॉर एलिमिनेशन ऑफ रूरल पॉवर्टी यानी SERP के माध्यम से लागू किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस योजना का सफल संचालन कर रहे हैं। कंपनी की कुल पूंजी लागत 1.5 करोड़ रुपए है। भारत सरकार की एक स्कीम भी आई है, जिसमें 10,000 फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने हैं पूरे देश में। उसमें से जो भी हमारे राज्य का जो एलोकेशन है उसको हम यहाँ पे करेंगे नाबार्ड के साथ साथ। तो हमारा उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में लाया जाए और जो मिडिल मैन का जो रोल रहता है उसको उनको घटाया जाए और जो मिडिल मैन का जो लाभ होता है वो इनको ही जाया जाए। किस तरह से उनमें हार्वेस्टिंग, जो पोस्ट हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें उनको ट्रेन किया जाए, ताकि जो सारा काम है प्रोडक्शन से मार्केटिंग तक जो सारा चेन है वो ये लोग कर सकें। कृषक महिलाओं को गाँव के स्तर पर फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप के रूप में संगठित किया गया, ताकि वो एक समूह के सदस्य के रूप में सुविधाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। फल और सब्जियों की एक आधुनिक और प्रभावी सप्लाई चेन बनाने के लिए गांव के पास ही आधुनिक खरीद केंद्र स्थापित किए गए। उपज की बेहतर सार संभाल के लिए यहां कुछ विशेष सुविधाएं हैं, जैसे डिजिटल भार मशीनें जो तुरंत और सही भार बताती हैं, फल और सब्जी रखने के लिए हवादार और मजबूत क्रेट्स, उपज को उसकी क्वालिटी के अनुसार ग्रेडिंग करने की व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएं। कृषक महिलाओं की सुविधा के अनुसार खरीद केंद्र
दोपहर 2 बजे से रात 10:30 बजे तक काम करते हैं। उपज की क्वालिटी के अनुसार उपज की कीमत तत्काल तय कर दी जाती है और 48 घंटे के भीतर उनका कुल भुगतान डिजिटल माध्यम से उनके बैंक खाते में पहुंच जाता है। खरीद की इस आसान, कुशल और पारदर्शी व्यवस्था से कृषक महिलाओं के धन और समय की अच्छी बचत होती है। लगभग 10% कमीशन, 7-10% ट्रांसपोर्ट खर्च और 5-10% तक तौलाई में हेर फेर खत्म होने से सीधे बचत होती है। यानी 20-30% का लाभ सीधे बचत से ही बन जाता है। फलों और सब्जियों की क्वालिटी को बेहतर बनाकर अधिक मूल्यवान बनाने के लिए बेनिशान ने कृषक महिलाओं को खेती के सर्वोत्तम तरीके अपनाने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और प्रशिक्षित किया है। फार्मर प्रोड्यूसर ग्रुप्स के 30 वरिष्ठ सदस्यों या प्रधानों को सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस में सब्जियों की नर्सरी बनाने की वैज्ञानिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया गया। उद्देश्य ये था कि कृषक महिलाएं गांव में नर्सरी तैयार करके बढ़िया क्वालिटी की रोपण सामग्री उपलब्ध कर सकें। उपज की क्वालिटी सुधारने में इस प्रयास का सार्थक प्रभाव देखा गया। बेनिशन वालों माकु ये नर्सरी गुरिंचे कोनी साला आलो अन्य चप्पेरो अपन नंचे में भी नर्सरी में मंच के चेस्टनामु अपन नंचे मकना आधा एंगुड़ा मंच को स्तंजे रायतलो ये पुरी ये नार्ड वोशी आलाना आपु में मान नार्ड वाला को वोशी पेंचिस नाम। बेनिशान ने बिग बास्केट, वॉलमार्ट, रत्नादीप, उड़ान, निंजा कार्ट और वेकूल जैसे प्रतिष्ठित और व्यापक नेटवर्क वाले वेंडर्स के साथ ताजे फलों और सब्जियों की नियमित सप्लाई का अनुबंध किया है और इसके लिए आधुनिक और कुशल व्यवस्थाएं भी की हैं। गांव स्थित खरीद केंद्र से फल और सब्जियों को मात्र 3 घंटे के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भेज दिया जाता है, जहां से केवल 6 घंटे में इन्हें MRT यानी मल्टी रिटेल ट्रेड सेंटर पहुंचा दिया जाता है। इस तरह फल और सब्जियां लगभग ताजे बने रहते हैं और कीमत अच्छी मिलती है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में उपज की सार संभाल की वैज्ञानिक प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था की गई है। प्रत्येक DC में उपज की छंटाई, श्रेणीकरण और बाजार भेजने की प्रतिदिन क्षमता लगभग 20 मीट्रिक टन तक है। साथ ही लगभग 5 मीट्रिक टन तक की शीत भंडारण क्षमता भी है। ये सारा कार्य वेंडर्स द्वारा स्वयं प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा किया जाता है, जिससे उपज की क्वालिटी बनी रहती है। DC से सीधे वेंडर तक पहुंचाने के लिए बेनिशान ने कुशल और सक्षम परिवहन व्यवस्था भी की है। प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सप्ताह में 6 दिन काम करके सप्लाई चेन को नियमित बनाए रखता है। మా బెనిషాన్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ ద్వారా మార్కెటింగ్ లో ఆధునిక పద్ధతులను అవలంబించడం జరుగుతున్నది మరియు కోల్డ్ స్టోరేజ్ అనే ఆధునిక టెక్నాలజీ వినియోగించి కూరగాయల తాజాదనం కోల్పోకుండా ప్రిజర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అకౌంటింగ్ వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా ఆధునిక సాఫ్ట్వేర్ అయిన ERP సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి మా యొక్క సభ్య కంపెనీలకు GRN రసీదు వెంటనే ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ మే పహలేసే గ్రేడింగ్ కర్కే ఆయి హుయి సబ్జియో ఆర్ ఫలోకి एक बार फिर से वेंडर की मांग और प्राथमिकता के अनुसार ग्रेडिंग और पैकिंग की जाती है। इससे वेंडर को अपने ग्राहकों के लिए क्वालिटी उपज सुनिश्चित होती है। बेनिशान द्वारा उपज की लेबलिंग की एक वैज्ञानिक व्यवस्था की गई है, जिसमें खरीद के स्रोत, तारीख, ग्रेड आदि की जानकारी रहती है। इस तरह पूरी सप्लाई चेन के दौरान किसी भी अवस्था में क्वालिटी संबंधी कोई शिकायत या शंका होने पर उसके स्रोत को सुधार किया जा सकता है। One of the most important aspect in SOPs of VLPC అదేంటంటే ట్యాగింగ్. ట్యాగింగ్లో మెయిన్గా డేటాబేస్ ఉంటుంది, అందులో ఫార్మర్ నేమ్, అతను ఏ విలేజ్ నుంచి తీసుకొచ్చాడు, ఆ కమోడిటీ పేరేంటి, అది ఏ గ్రేడ్, ఐదర్ ఏ బి ఆర్ మిక్స్ అనే డీటెయిల్స్ ఉంటాయి.
ఇంకా డేట్ ఆఫ్ హార్వెస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ట్యాగింగ్ అనే ప్రొసీజర్ వల్ల మేము మార్కెటింగ్ బేనిషాన్కి చేస్తున్నాం కాబట్టి బేనిషాన్కి ఈ హార్వెస్ట్ డీటెయిల్స్ అనేది తెలుస్తుంది, ప్లస్ గ్రేడింగ్ డీటెయిల్స్ తెలుస్తుంది. सही सामग्री में वैज्ञानिक और कुशल पैकिंग बेनिशान की पहचान है। वेंडर द्वारा विशेष ग्रेड की उपज की विशेष पैकिंग की मांग होने पर ये सुविधा भी दी जाती है। उदाहरण के तौर पर रत्नादीप के लिए रिस गोड की विशेष पैकिंग की जाती है, जिसमें सप्लाई किए जाने वाले सभी रिस गोड पंडाल प्रणाली से उगाए जाते हैं। एक किलोग्राम के पैक में केवल 3 रिस गोड होते हैं। इनकी गोलाई 30 मिलीमीटर होती है और लंबाई क्रेट की लंबाई से कम होनी चाहिए और रिस गोड नम, मुलायम तथा हरे तने के साथ होने चाहिए। इस प्रकार के मानकों और कस्टमाइज्ड पैकिंग में बिक्री करने से उपज की कीमत ज्यादा मिलती है, जिसका लाभ कृषक महिलाओं को होता है। वेंडर्स की मांग और कृषक महिलाओं के आर्थिक हित को देखते हुए बेनिशान ने फलों और सब्जियों से मूल्य वर्धित प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने की पहल भी की है। प्रयोग के तौर पर कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल या शरीफा का गूदा निकालकर बेचने की शुरुआत की गई। 500 से अधिक कृषक महिलाओं से कुल 85 मीट्रिक टन फल खरीदा गया और इससे छिलका तथा बीज निकालकर 12.35 मीट्रिक टन गूदा बिक्री के लिए तैयार किया गया। गूदा निकालने और पैक करने के दौरान स्वच्छता के वैज्ञानिक मानकों का अनुपालन किया गया। बाजार में फल की अपेक्षा गूदा बेचने से अधिक आमदनी हुई, जिससे कृषक महिलाओं को 60% तक अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। बेनिशान के माध्यम से अधिक कृषक महिलाओं को फलों और सब्जियों के उन्नत उत्पादन के लिए योग्य और हुनरमंद बनाया गया है। बेहतर आमदनी के कारण तेलंगाना के कृषक महिलाओं में फल और सब्जी उत्पादन के प्रति रुचि बढ़ी है। इस कारण बेनिशान अपने वेंडर्स को सब्जियों की एक बड़ी और व्यापक रेंज उपलब्ध करा रहा है। इसमें प्रमुख रूप से टमाटर, गोभी, बैंगन, अरबी यानी कोलोकेसिया और मिर्च शामिल हैं। अन्य सब्जियों में गाजर, भिंडी, खीरा, पत्ता गोभी, लौकी, पेठा कद्दू, परवल, फ्रेंच बीन्स, अदरक आदि की खरीद और सप्लाई की जाती है। जैसा कंपनी जब से हम लोग फूल का नार डाले थे और फूल वो कंपनी में भेजने से हम 1,20,000 रुपये मुनाफा आया। अब हैदराबाद डालते थे जब उतना काम साफ नहीं होता था, यहाँ डाले जब से थोड़ा फायदा है। यहाँ फायदा रहने से आपके साल भी बच्चे पढ़ाए भी फायदा आने से अच्छे हुए। वो फायदा है जब से भी हम लोग और 2 एकड़ जमीन कॉल को पकड़ लेके कर रहे हैं। बेनिशान के अधिक प्रभावी, कुशल और व्यावसायिक संचालन के लिए इसके चुनिंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के प्रमुख नासिक महाराष्ट्र की प्रतिष्ठित और सफल सहयाद्री फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सभी पहलुओं को देखा और समझा। इससे बेनिशान की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायता मिल रही है। बेनिशान ने अपने कामकाज को अधिक लाभदायक और सतत बनाने के लिए कमर कस ली है और कुछ लक्ष्य तय किए हैं। सब्जियों की प्रतिदिन खरीद की मात्रा को 10 मीट्रिक टन तक बढ़ाना, अधिक लाभकारी और मूल्यवान आम, पपीता और अमरूद को शामिल करना, उन्नत उत्पादन योजना के अनुपालन को 60% से बढ़ाकर 90% करना, ए ग्रेड उपज के भाग को 14% से बढ़ाकर 25% करना, अधिक लाभ देने वाली सब्जियों के भाग को 16% से बढ़ाकर 26% करना और बी ग्रेड की उपज की बिक्री के लिए वैकल्पिक उपाय विकसित करना। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేయబోయే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్కి ఆలోచనలకి అనుగుణంగా బెనిషాన్ సంస్థ వివిధ పళ్లను కొనుగోలు చేసి సొంత బ్రాండ్తో మార్కెట్లో అమ్మే విధంగా చేసి వచ్చిన లాభాలలో సభ్య సంస్థలకు మరియు రైతులకు పంచేలా చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకోవడం జరిగింది. దేశంలో ఒక గొప్ప ఎఫ్పీఓ ఫెడరేషన్గా బెనిషాన్ ఉండాలని లక్ష్యంగా నిర్ణయించుకున్నాము.
In this 3 years of work, SEP Telangana could be able to bring about 65,000 of the small and marginal farmers into the umbrella of 17 registered farmer producer organization covering about 18 districts of Telangana state. So to further move on and also taking the learnings from the existing FPOs, we have planned to cover all the 32 districts of Telangana to bring all the small and marginal farmers into the fold of the farmer producer organizations. And also we are happy to be part of the central government scheme, that is 10,000 promotion of the 10,000 FPOs. And we are confident that we could able to contribute more in the coming years. बेनिशान और इससे जुड़ी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज की कामयाबी की लहर तेलंगाना के गांवों में स्पष्ट दिखाई दे रही है। बेनिशान की सफलता को भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने संबल और समर्थन प्रदान किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार हो रहा है, परंतु अभी चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, कृषक महिलाओं के उत्साह और उमंग के साथ छूना है सफलता के शिखर को।